वो मशहूर हुआ क्या, इमाम छठे इमाम का दौर है, कूफा है, और इमाम का सहाबी है, कूफा में रहता है, उसका हमसाया सही आदमी नहीं है, उसके घर में गाना और ये वो चीजें आवाजें आती थी, ये अक्सर उसको तजक्कुर देते थे, ऐसा नहीं करे गलत है, हमसाया होने की वजह से एहतराम करता था। लेकिन एक दफा उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपने मौला जिसको आप इमाम कहते हैं अगर वो मुझे जमानत दे दे तो मैं सब छोड़ दूंगा। फिर उनका ठीक है, ये मदीना गए, इमाम से मुलाकात हुई और इमाम से कहा अपने हमसाए का, इमाम ने कहा कि उसे कहो कि जिस लोगों का माल खाया है वापस पलटा दे, जो जो चीज है सब छोड़ दे, मैं जमानत देता हूं, भेज दी। वापस आए, हज उमरा ज़ियारत करके आए थे, लोग मिलने आए, ये हमसाए मिले, सब चले गए, कहा रुक जाओ, कहा इमाम ने तुम्हारे लिए ये पैगाम दिया है। कहा हकीकतन, कहा कुछ दिन बाद उसने जो है वो पैगाम भिजवाया कि मेरे घर पे आए। जब घर पे गए, दरवाजा कहा, दरवाजे के पीछे कहा मैं अंदर नहीं, कहा मैंने पूरी जिंदगी जो लोगों का माल लिया था, जितना मुझे याद था मैंने सब लौटा दिया है, मेरे अपने तन पे लिबास नहीं है। फिर उन्होंने किसी को कहा लिबास दो, खाने की कोई चीज दो। कुछ दिनों के बाद हालत इतनी खराब थी, फिर पैगाम पहुंचाया, कहा मेरा आखिरी वक्त है बिस्तर पर, आखिरी होश आया, बेहोश, आंख खुल रही है, बेहोश, एकदम दोबारा होश आया, कहा मौला ने जो कहा था वो कर दिया है, और फिर दुनिया से चला गया इमाम। जब इमाम दोबारा, वो साहबी दोबारा इमाम खिदमत पहुंचे, इमाम ने देखते कहा हमने तुम्हारे हमसाये के साथ वफा की, वफा की। इमाम मोहब्बत करता अपने आप को तैयार करे, वो कैफियत पैदा करे कि इमाम ले जाए, ले जाए, ले जाए।